साबरा परिवार सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से अंकुर इंटर कॉलेज ट्रांसजेंडर कॉलोनी आगरा पर भागवत गीता के प्रवचनों का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय लोगों ने भारी संख्या में इस कार्यक्रम में शिरकत कर भागवत गीता के प्रवचनों के सार को समझा। ये हमारा एक साबरा परिवार है जो भारत स्तर पर ये रजिस्टर्ड है। हमारे आचार्य हैं इसके संस्थापक भागवत किंकर संत श्री सुरेशाचार्य जी महाराज। हमारे संस्थापक का ये संकल्प है कि हम जो है मासिक गीता के प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क, जिसमें वही कोई शुल्क नहीं लेते हैं, वो हमारा परिवार शेष व्यय को वहन करता है, लेकिन जहाँ भी कोई ऑर्गेनाइज करता है उस पर हम किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं डालते। व्यवस्था करना उद्देश्य इसका, ज्ञान का प्रसार प्रचार करना। गीता ज्ञान एक ऐसा है जो हमें लौकिक सारी सांसारिक बाधाओं से दूर करने का एक साधन है। उसमें सारी प्रकार की सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान का गाया हुआ गीत में कर्म कांड, भक्ति कांड, योग, सभी का जो लोग सहज रूप से इसे समझ सकें, उस तरह से हमारे आचार्य जी जो हैं जगह जगह इसका आयोजन करते हैं और हम लोग उसमें सेवा देते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। इस समय पर जो चल रहा है, महेंद्र सिंह हमारे शिक्रवार हैं, उनके इंटर कॉलेज में उनकी इच्छा हुई कि ये कार्यक्रम मेरा हो, उनका सहयोग वास्तव में सराहनीय है। और ये हमारा अनवरत मासिक चल रहा है। भागवत जहाँ भी चलती है वो अपनी स्वेच्छा से चलती है, हम यहाँ सिर्फ अपनी स्वेच्छा से इसको प्रोग्राम को रखते हैं। ये त्रिदिवसीय है और हर जगह त्रिदिवसीय रहता है। मोस्टली इसकी मांग है कि इसे पाँच दिवसीय कर दिया जाए, पंच दिवसीय, लेकिन अभी हमारा ये त्रिदिवसीय चल रहा है। मेरा नाम सुखदेव भदौरिया और हाँ, कार्यक्रम अंकुर इंटर कॉलेज में फेज टू में चल रहा है और ये सत्संग है। सत्संग तीन दिवसीय है, 26, 27, 28। हाँ, ये सत्य के आधार पर है, इंसान के, मनुष्य के उद्धार के लिए, कि आदमी को अपने सत्य पर रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य कर्म करने चाहिए और धर्म करना चाहिए। युवाओं को अभी से जो सोचेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि इस गीता प्रवचनों के माध्यम से हिंदू समाज में धर्म के प्रति जागरूकता लाना चाहते हैं। भागवत गीता प्रवचनों के प्रेमियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। गीता प्रवचन सुनने आए भक्तों ने ज्ञान की अनुभूति की। अंकुर इंटर कॉलेज फेज टू ट्रांसफॉर्मर कॉलोनी, उद्देश्य ये है कि सब लोग भगवान में अपना मन लगाएं, गीते के प्रवचन सुने, उससे समाज में, क्षेत्र में कुछ सद्बुद्धि आए, सुधार हो, वही उद्देश्य। यहाँ एक 3 दिन का सत्संग समागम प्रोग्राम है जो कि आचार्य श्री सुरेशानंद जी ने किया है। बहुत ही अच्छा आनंदमय प्रोग्राम रहा है और हम लोगों को ऐसा लगा है जैसे यहाँ पर सुखद अनुभूति हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात प्रभु के दर्शन और उनकी वाणी को हम सुन रहे हैं। आज के युवा भौतिकता की दौड़ में भाग रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि जो सुख है, जो आध्यात्मिक सुख की अनुभूति है, वो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में और भगवत गीता में है। उनको जीवन जीने का एक अच्छा मार्ग भगवत गीता ही दे सकता है। क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको नैतिकता की जो बातें हैं वो भगवत गीता द्वारा सिखाई जाती है। और मैं ये मानती हूँ कि यदि युवा वर्ग इस तरफ आएगा तो उनको अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य, अनुभूति प्राप्त होगी। आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो युवा वर्ग है और जो हमारे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, ये भगवत गीता का सार है, हमारे जीवन के उद्देश्य की अनुभूति है, लोग इससे जुड़ें और इससे अपने जीवन को सफल बनाएं। महेंद्र सिंह सिकरवार, कार्यक्रम आज साबरा परिवार की ओर से गीता प्रवचन है और 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 26, 27, 28 आज समापन है उसका। श्रोतागण बड़े भावपूर्वक अपना सत्संग का आनंद ले रहे हैं।
वचन प्रवक्ता कहाँ से आई है, क्या नाम है? आचार्य सुरेशाचार्य जी लखनामई से आए हैं। और इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि धर्म के प्रति जो हम लोग धर्म के प्रति इधर उधर भटक रहे हैं, उनको एक मुख्य धारा में उनको प्रवाहित करना, ये धर्म का उद्देश्य। उसी तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि युवा इसे अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ें और इसकी प्रगति। रत्नमयी के सुरेश आचार्य ने भागवत गीता के प्रवचनों का सुंदर वाचन किया और भक्तों ने भक्ति में होकर प्रवचनों से ज्ञान प्राप्त किया। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।